ପଢ଼ଉଛି ହେବେ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बानिक स्मार्ट क्लास विथ न्यू सेशन। आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सेशन है, क्योंकि ये जो सेशन है कंपलसरी एक मार्क लेके आता है आपका एसएससी लेवल, एनी काइंड ऑफ एसएससी लेवल एग्जाम में आपका एक मार्क लेके आता है। ये टॉपिक को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे बेस मेथड लेके। एक बेस लेंगे जिसके थ्रू हम लोग इजिली उसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसको फॉर्मूला में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फॉर्मूला में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, देन उसी फॉर्मूला से मैं डिस्क्राइब करूंगा जो बेस मेथड या जो शॉर्टकट वाला मेथड है, तो उसको वहां से डिस्क्राइब करूंगा, देन आपको मैं समझा दूंगा किस तरह से और कितना इजिली ये सॉल्व हो जाता है। क्लियर? और ये टॉपिक के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है एसएससी लेवल के एग्जाम में, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो लिया था उसके ऊपर जो टॉपिक का नाम है। आज हम लोग का टॉपिक का नाम है, देख लीजिए क्या है टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है हम लोग का क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के ऊपर मैंने एक वीडियो लिया था ऑलरेडी, आप लोग जाके देख सकते हो, है ऑलरेडी आपके पास। वहां पे मैंने लिया था कि जो डिग्री वाला क्वेश्चन पूछता है जो या एंगल पूछता है कि 4:30 में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल क्रिएट होगा, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो लिया था, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आज जो हूं, आज मैं किसके लिए हूं, आज मैं हूं ओवरलैपिंग या कोइंसाइड या जीरो और डिग्री, ये कंसेप्ट बताने के लिए मैं आज यहाँ पे हूं। तो ये जो टॉपिक है बा ये जो कंसेप्ट है उसको दो मेथड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक है बेसिक वाला और एक है शॉर्टकट वाला। जो बेसिक है वो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, जो शॉर्टकट वाला है उसी फॉर्मूला से मैं डिस्क्राइब करूंगा। क्लियर? और हम लोगों को पता है कि जीरो डिग्री और कोइंसाइड और ओवरलैपिंग एक आवर में मिनिमम 1 टाइम्स होता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को 12 आवर में 12 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन वो 11 बार होता है। उसी के हिसाब से पर डे के हिसाब से या पर डे 24 आवर है, उसके हिसाब से आपको कितना बार आना चाहिए था, 24 टाइम्स आना चाहिए था, लेकिन 22 टाइम्स आएगा, क्योंकि 1 घंटा वहां पे वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि इन लोगों का जो रिलेटिव स्पीड है उसके वजह से ये 1 घंटा माइनस हो जाएगा। वो भी मैं प्रूव करके आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, क्योंकि कहां पे 1 घंटा माइनस होता है मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पे चलेंगे या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद उसी फॉर्मूला से मैं आपको शॉर्टकट निकाल के आपको दिखा दूंगा। चलिए फॉर्मूला में चलते हैं। हम लोगों को पता है कि कहां से क्या होता है। देखिए ये जो है ये 11 से लेकर 1 के बीच में कितना आवर होता है, 11 से 12 होता है 1 आवर और 12 से 1 होता है 1 आवर। तो ये 2 आवर में 2 बार देना चाहिए था आपको 0 डिग्री, लेकिन ये 2 बार ना देकर आपको कितना बार देंगे, आपको 1 टाइम देंगे। तो उसी को मैं प्रूव कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग शॉर्टकट पे चलेंगे। तो कहां से कहां मैंने लिया था, मैंने लिया था 11 से 12 1, और मैंने कहां से कहां लिया था, और मैंने लिया था 12 से और 1, 11 से 12 और 12 से 1। तो मेरा जो फॉर्मूला है जो है क्या है, m इक्वल टू 2/11 इंटू 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा। देखिए यहां पे इसको डिस्क्राइब कर लीजिए, 2/11 एच जो है हम लोग का आवर है, आवर क्या है, मिनिमम आवर, मिनिमम आवर कितना है 11 प्लस माइनस कितना कीजिए 0, क्योंकि हम लोग का थीटा जो है 0 है, क्योंकि 0 डिग्री निकाल लें। तो इसको और एक बार अगर सिंप्लीफाई करूं तो आज का आपका आ जाएगा 60/11 आ जाएगा। इसको अगर डिस्क्राइब करता हूं तो 60 आ जाएगा। तो 60 क्या आएगा, 60 मिनट्स आएगा। 60 मिनट्स अगर आ रहा है तो 11:60 मतलब 12 हो गया आपका। तो देखिए 11 से 12 के बीच में कहीं पे भी नहीं किया, वो जाके 12 में जाके कोइंसाइड किया। ठीक है, अब चलिए 12 से 1, तो 12 से 1 मतलब सेम चीज लीजिए, एम इक्वल टू कितना मैं करूंगा, 2/11 इंटू 30, डायरेक्टली मैंने अप्लाई कर दिया 12, ये प्लस माइनस 0 को मैंने हटा दिया। तब आ जाइए ये कितना आ जाएगा, 2/11 इंटू ये कितना आ जाएगा 360, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 720/11 कितना आ जाएगा 11, 720/11 अगर हो रहा है तो कितना आ जाएगा 65/5/11, लगभग 12 बजकर कितना आएगा, 12:65 5/11। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1:05 5/11 कर सकते हैं। तो मतलब देखिए 12 से 1 के बीच में कहीं पे भी नहीं हुआ, वो जाके 1 के बाद हो रहा है, 1:05 पे जाके हो रहा है, 1:05 पे जाके हो रहा है। तो यहाँ पे 1 घंटा आपको माइनस हो गया। क्लियर? ये था आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से मैं एक शॉर्टकट निकालूंगा और इसको कितना जल्दी हो सकता है मैं दिखा देता हूं।
ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, इसको इरेज कीजिए, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास फॉर्मूला था 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जो फॉर्मूला मेरा था m इक्वल टू 2 बाई 11 30 इंटू एच था। थीटा को मैंने हटा दिया क्योंकि थीटा ऑलरेडी मेरा जीरो है, ठीक है। अब आ जाइए इसको यहां पे लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा निकल रहा है, 30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या निकल रहा है मेरा 60 बाई 11 इंटू बच रहा है एच, बात खत्म। ये जो है ये मेरा शॉर्टकट है 60 बाई 11 इंटू एच, एच क्या था, एच था 11। देखिए मैंने क्या 60 बाई 11 इंटू मिनिमम टाइम है 11, 11 से 11 मैंने काट लिया, बच गया कितना 60। ये क्या है 60 मिनट है क्योंकि हम लोग किसके ऊपर निकाल रहे हैं, m निकाल रहे हैं m फॉर मिनट के लिए। तो आ गया मेरा तो 11 बज के कितना है 60। तो 11 बज के 60 मतलब लगभग 12 हो गया आपका। यहाँ पे चलिए यहाँ पे सेम डायरेक्टली अप्लाई कीजिए 60 बाई 11 और ये सब हटा दीजिए, ये सब जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को याद रखिए, मल्टीप्लाई ऑफ 12 तो ये कितना आ जाएगा 720 बाई 11 आ जाएगा। इसको काटने से क्या आ जाएगा 65 बाई 5 बाई 11 आएगा। ये 12 बजकर 65 मिनट मतलब 1 बजकर 5 हो रहा है तो ये एक्सीड कर गया, ये हट गया। चलिए दूसरा और एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। एग्जाम कहां से लेंगे, 3 से 4 तक लेंगे, 4 से 5 लेंगे और 9 से 10 लग लेंगे, ठीक है। तो इसको कीजिए 60 बाई 11, मल्टीपल ऑफ एज कितना है 3, इसको कीजिए 60 बाई 11, एज कितना है 5 मिनिमम टाइम है, इसको कीजिए कितना 60 बाई 11 मिनिमम टाइम कितना है 9। अब इसको कीजिए 180 बाई 11 आएगा, ये कितना आ जाएगा 300 बाई 11, ये आ जाएगा 540 बाई 11। इसको अगर ब्रेक करूंगा तो कितना में आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, 7 70 है तो 6 लीजिए 4 बाई 11 में आ जाएगा, इतना करके आ जाएगा मतलब 3 बजकर 16 मिनट्स में आएगा। इसको अगर डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये बच रहा है कितना देखिए, अगर 300 है तो 30 है 2 से लिया 8 तो 7 बाई 3 बाई 11 आ रहा है, क्लियर कंफर्म। देन इसको हटाइए, इसको काटने से कितना पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 9 1 बाई 11, ये आ जाएगा। That means यह आ जाएगा 5 बजकर 27 मिनट 3 बाई 11 पे आएगा, यह आएगा 9 बजकर 49 मिनट 1 बाई 11 पे आ जाएगा। देखिए कितना टाइम निकल रहा है, फॉर्मूला में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये मेरा शॉर्टकट है, या इसको आप लोग बोल सकते हैं बेस करके भी ले सकते हैं। देखिए जो मैंने शॉर्टकट लाया वो कहां से लाया था, वो फॉर्मूला से मैंने डिस्क्राइब किया था। तो ये शॉर्टकट और इसको भी मैं अभी बेस मेथड में बता देता हूँ, देखिए किस तरह से होगा, सेम यूज करेंगे हम लोग। जो कॉन्सेप्ट है, जो इजी जो कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्टकट है वो बेस मेथड है। बेस क्या लेंगे, जीरो, क्योंकि मैंने जीरो डिग्री के लिए कर रहा हूं तो बेस लेंगे मैं जीरो। तो सेम है, एक की यूज करना है आपको, सिर्फ सेम की यूज करना है 60 बाई 11। वहां पे मैंने डिस्क्राइब कर लिया था ये की कहां से आया था, तो मैंने यहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या करना है 60 बाई 11 इंटू क्या करना है मिनिमम टाइम में आपको यहां पर करना है, मिनिमम टाइम मतलब मिनिमम आवर आपको करना है, कंफर्म। तो ये आ गया मेरा किसके लिए, जीरो डिग्री या ओवरलैपिंग कोइंसाइड के लिए। तो सेम चीज हम लोग कहां पे यूज करेंगे, सेम चीज हम लोग यूज करेंगे 90 डिग्री या 180 डिग्री या ऑपोजिट के लिए या राइट एंगल के लिए हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे 60 बाई 11। ये कहां से आ गया आपको ये पता चल गया, उसके बाद वहां पर क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या था, बेस था कितना मेरा, बेस था जीरो। तो जो भी टाइम आपको पूछेगा उसी का मिनिमम टाइम ऐड करना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कहां से, 11 से 12 एग्जांपल लिया था। तो यहां पे सेम करना 60 बाई 11 इंटू कितना करता है ना मिनिमम टाइम, तो ये आ गया था मेरा 60। ये मैंने प्रूव किया था, देखिए वो जो शॉर्टकट था वो मैं फॉर्मूला से लाया, इसको लेकिन मैंने डिफरेंट नाम दे दिया है बेस मेथड करके, क्योंकि बेस में जीरो लूंगा और जब 180 डिग्री होगा तो बेस क्या होगा उसके हिसाब से मैं दिखाऊंगा, अब जब 90 डिग्री होगा उसके हिसाब से क्या बेस होगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कि जो भी 180 डिग्री है और जो 90 डिग्री है ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा चीज समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस 60 बाई 11 इंटू मिनिमम टाइम करना है और आपका जीरो डिग्री को इनसाइड और ओवरलैपिंग आपका निकल जाएगा। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ज्यादा दिमाग में भी जोर भी नहीं देना है, क्लियर। आई होप आपका सारा का सारा जो मैंने आज कंसेप्ट बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।